कानपुर के सचेली थाना क्षेत्र व पनकी थाना क्षेत्र में डीजल पेट्रोल चोरी का बना अड्डा। आपको बता दें कि डीजल और पेट्रोल जो पनकी में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो है, यहाँ से पूरे देश प्रदेश में के कई जिलों में टैंकर से आपूर्ति की जाती है, किंतु ट्रक टैंकर चालक व तेल माफिया मिलकर इन टैंकरों से हाईवे के सुनसान इलाके में अपने बने अड्डों पर निकलकर भारत सरकार व पब्लिक को करोड़ों का चूना लगाते हैं। क्योंकि जब तेल चोर तेल चोरी करते हैं और ये तेल पेट्रोल पंप पर कम जाता है, तो पेट्रोल पंप मालिक आम ग्राहकों से कम डीजल व पेट्रोल देने को मजबूर होते हैं और इन माफियाओं की रक्षक बनती है क्षेत्रीय पुलिस। क्योंकि बिना किसी सेटिंग के ये तेल माफिया तेल चोरी का कारोबार नहीं कर सकते, वो भी थानों की चंद कदमों की दूरी पर। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तेल माफिया पेट्रोल और डीजल डंप किए हैं, क्योंकि इन तेल माफियाओं को क्षेत्रीय पुलिस का डर या भय नहीं है। जबकि कुछ साल पहले कानपुर आईजी आशुतोष पांडे ने भी बड़ी गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर इन लोगों को जेल भेजा था और कानपुर से पेट्रोल और डीजल के अवैध कारोबार को जड़ से ख़त्म कर दिया था। लेकिन लगता है कि इस बार बीजेपी सरकार और क्षेत्रीय पुलिस इन पर नकेल डालने में नाकाम है, या कहें कि मिली भगत से ये कारोबार चल रहा है। कानपुर से सुनील वर्मा की रिपोर्ट।